Hi friends, welcome back to VVP Education. Let's continue our series Fundamentals of Maths. In this series, we will play with number. क्या हम सच में नंबर के साथ प्ले करने वाले हैं? एक्चुअली आपने पिक्चर पजल के बारे में तो सुना ही होगा. उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पिक्चर्स को प्रॉपरली कनेक्ट करके हम एक फुल पिक्चर्स बनाते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है. हम कुछ छोटे टॉपिक्स लेंगे जिसका यूज़ हम सोल्व करने, मैथ्स के पजल सोल्व करने में यूज़ करेंगे, मैथ्स के डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्व करने में यूज़ करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स, ओके? सो व्हाट इज फैक्टर? अ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर. क्लियर? फैक्टर क्या है? कोई भी नंबर का फैक्टर उनका एग्जैक्ट डिविजर है. नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट डिविजर? तो सपोज मैंने नंबर लिया है 12. नाउ 12 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या होगा, 6 टू ज़ा 12, रिमाइंडर उसका क्या होगा, 0. यानी कि 12 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिल रहा है. यानी कि 2 है वो 12 का एग्जैक्ट डिविज़र है. क्लियर? तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर. यानी कि उस नंबर को हम जो जो नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, 2 एंड 4. 4 के फैक्टर कौन से है? तो देखो 1 है. आपने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डिवाइड बाय 1, कोई भी नंबर है, सपोज मैंने जनरल फॉर्म में लिया a, तो a को 1 से डिवाइड करूँगी तो हमें वही नंबर वापस मिलेगा. क्लियर? सो 1 है वो क्या होगा, यहाँ पे 4 का एक फैक्टर होगा. नाउ 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर पाऊँगी. क्लियर? सो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 4 एंड 4 इट सेल्फ इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 4. नाउ फैक्टर्स ऑफ 6. क्लियर? सो 1, 2, 3 एंड 6. तो देखो 1 से 6 एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा एंड 6 से भी होगा. अब आपका क्वेश्चन ये है, राइट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं? तो देखो हम एक एग्जांपल थ्रू उसको समझते हैं. सपोज मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं 18 के. सो फैक्टर्स ऑफ 18. अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले 18 है. क्लियर? अब यहाँ पे हमने सीखा था कि 1 से कोई भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो वही नंबर मिलेगा. यानी कि 1 से तो हमें स्टार्ट कर ही देना है. नेक्स्ट 2, तो हम क्या चेक करेंगे, 18 इज डिविजिबल बाय 2 और नो? तो यस, 9 टू ज़ा 18, हमें एग्जैक्ट डिविजर मिला. सो यस, सो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 18. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 3, तो चेक करते हैं हम 3 से. तो या 6 थ्री ज़ा 18, सो हमारा होगा नेक्स्ट नंबर 3. नाउ नेक्स्ट नंबर 4, तो 4 से हम चेक करते हैं 18 डिवाइड बाय 4. तो देखो 4 से हमारा नंबर होगा नहीं, 4 फोर ज़ा 16, यहाँ पे तो रिमाइंडर बचेगी. सो हमारा 4 है वो क्या होगा, 18 का फैक्टर होगा नहीं. सेम एज 4 5, तो 18 डिवाइड 5 करूँगी तो भी मुझे मिलेगा नहीं. नाउ नेक्स्ट नंबर ही इज 6, तो 18 डिवाइड 6. तो या 6 थ्री ज़ा 18, यहाँ पे मुझे 6 मिला. यस, तो मैंने लिखा 6. अब आपको हर एक आगे का नंबर है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है. अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे 3 एंड 6 दो नंबर मिले. देखो 6 थ्री ज़ा 18, 3 सिक्स ज़ा 18. यानी कि कंटिन्यूस दो हमें फैक्टर्स ऐसे मिले जिसका मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या मिल रहा है, 18. तो अब हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो हमें क्या करना है, इसके आगे का नंबर चेक करना है कि 2 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 18 मिलेगा. तो वो होगा हमारा क्या, 9, 9 टू ज़ा 18. यानी कि जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो कौन सा होगा, 18 का 9. नाउ नेक्स्ट नंबर, तो ये 2 का कंप्लीट हो गया. अब आगे का नंबर हमारा कौन सा है, 1. तो मैं 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 18 मिलेगा, तो क्या होगा, 18 इट सेल्फ. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 18, क्योंकि 18 वन ज़ा 18. तो 18 के हमें फैक्टर कौन से मिले, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18.
तो दोस्तों हमें फैक्टर्स फाइंड करने में क्या बात ध्यान रखनी है, तो हमें क्या करना है कि कंटिन्यूस दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हमारा जो नंबर है जिनका फैक्टर फाइंड करना है वो आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर हमें क्या करना है, तो उसके प्रीवियस नंबर के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है, वापस हमें ये नंबर मिलना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा वो उनका फैक्टर। क्लियर? वैसे हमें क्या करना है, आगे आगे जाते जाना है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल। नाउ व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर्स। यानी कि मल्टीपल क्या है, तो हमारे पास जिनका मल्टीपल हमें फाइंड करना है उसको जब हम इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो ही होगा हमारा मल्टीपल्स। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर होगा 5। सो 5 इज मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई टू 10, सो 10 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई 5। तो आगे आप 1 2 3 देन 4 5 6 ऐसे ही सीरीज हमारी चलती जाएगी, आपको क्या होगा मल्टीपल मिलता जाएगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल सपोज मैं ले रही हूँ, तो क्या होगा मल्टीपल ऑफ फॉर एग्जांपल 4, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 1 4, यानी कि 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। देन 4 मल्टीप्लाई 2 आंसर 8, 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। देन 4 मल्टीप्लाई 3 आंसर 12, 12 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4 एंड सो ऑन। क्लियर? अब दोस्तों आपने देखा होगा, देखो मैंने पहले क्या किया, 1 से 2 से 3 से, यहाँ पे भी 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर से मैंने क्या किया है, मल्टीपल किया है। ओके तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है लेकिन 5 का एंड यहाँ पे 4 का टेबल क्रिएट हो रहा है। क्लियर? यानी कि मल्टीपल और कुछ नहीं है, आपको जो भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना है उसका टेबल ही उसके मल्टीपल्स होंगे। क्लियर? तो अब आप बता सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, सिंपली हमें क्या करना है, 6 का टेबल, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18 एंड सो ऑन। तो वैसे ही हमें क्या होगा, मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब आपको पता है कि इनका मैंने कुछ कंक्लूजन भी निकाला है, आपने देखा होगा फैक्टर में भी एंड मल्टीपल में भी। क्लियर? तो वो कंक्लूजन क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सम कंक्लूजन अबाउट फैक्टर्स। ओके सी फैक्टर्स ऑफ 18 जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था, राइट? तो उनके फैक्टर्स हमें क्या मिले थे, 1 2 3 6 9 एंड 18। क्लियर? तो देखो 1 यहाँ पे भी आया, हमने 4 का भी देखा था, हमने 6 का भी फैक्टर्स फाइंड किए थे, तो उसमें भी 1 तो आया ही था। दैट मीन्स 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि आप कोई भी नंबर ले लो उनका आप फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। क्लियर? सेकेंड वन इज एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर है वो खुद का फैक्टर होगा। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 18 के फैक्टर फाइंड कर रहे थे एंड 18 भी एज अ फैक्टर वहाँ पे आया, यानी कि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होगा ही होगा। क्लियर? नाउ एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, आपने देखा 1 2 3 6 9 एंड 18। क्लियर? तो कोई भी फैक्टर होगा कोई भी नंबर का, वो क्या होगा, या तो उस नंबर के जितना या तो उससे लेस, यानी कि उससे कम। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 18 के फैक्टर्स है तो वो उससे लेस ही है, 9 6 3 2 एंड 1, उससे लेस नंबर है। क्लियर? यानी कि कोई भी नंबर का आप फैक्टर फाइंड कर रहे हो तो उससे या तो वो लेस होगा या तो इक्वल होगा। ओके एंड लास्ट वन, नंबर ऑफ फैक्टर इज फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स यू कैन काउंट दैट नंबर्स। क्लियर? तो देखो यहाँ पे मैं फैक्टर्स है 18 के, उसको मैं काउंट कर सकती हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टर्स है, यानी कि 18 के मुझे कितने फैक्टर्स मिलेंगे यहाँ पे, 6, जिसको मैं काउंट कर पाऊंगी। सो दैट नंबर ऑफ फैक्टर इज फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि मैं उसको काउंट कर पा रही हूँ। क्लियर? सो नंबर ऑफ फैक्टर इज फाइनाइट। नाउ सम कंक्लूजन अबाउट मल्टीपल्स।
एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ, यानी कि हर एक नंबर है वो खुद का तो मल्टीपल होगा ही होगा. क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 के मल्टीपल्स फाइंड किए, तो वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 4 से ही. क्यों? तो देखो मैंने क्या कहा था कि हम मल्टीपल्स में क्या करेंगे, तो कि 1, 2, 3 नंबर से हम उनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 × 1 हमें वापस आंसर मिलेगा 4 ही. तो वैसे ही हर एक नंबर के लिए होगा. क्लियर? सो हर एक नंबर है वो क्या है, खुद का तो मल्टीपल है ही. एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर्स. अब यहाँ पे क्या होगा, तो कि फैक्टर से थोड़ा उल्टा. तो देखो कैसे, तो 4 है उनका मैंने मल्टीपल्स फाइंड किया है, तो या वो क्या है, या तो उसके जितना या उससे ग्रेटर, उससे बड़ा. यानी कि मल्टीपल्स क्या होगा, हमेशा वो नंबर के जितना या उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि वो नंबर हमेशा दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसलिए. क्लियर? सो मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. एंड लास्ट वन, नंबर ऑफ मल्टीपल इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट दैट मीन्स वॉट, कि आप जिसको काउंट नहीं कर सकते हो. तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 का टेबल मैंने लिखा है. क्लियर? टेबल ही हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स है. तो 4 को 1 से, 2 से, 3 से, देन 4 से मल्टीप्लाई किया. अब आगे भी हमारे पास नंबर तो है ही, एंड नंबर तो क्या है, काउंटलेस है. यानी कि वो नंबर्स इनफाइनाइट है, तो उसके मल्टीपल्स भी हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट. यानी कि नंबर ऑफ मल्टीपल इज इनफाइनाइट. क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड उनके कुछ फैक्ट्स का डिस्कशन किया. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्रेस लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.